सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके संकल्पना से साकार खालसा क्रीड़ा महोत्सव का समापन समारोह रविवार को शहर के यशवंत स्टेडियम में मान्यवरों की उपस्थिति में किया जाएगा। खासदार क्रीड़ा महोत्सव का समारोप समारोह रविवार को शहर के यशवंत स्टेडियम में होगा। इस समारोह में क्रीड़ा जगत के मान्यवर उपस्थित रहेंगे, साथ ही गायक अंकित तिवारी भी अपने सुरों से इस समारोह की शान बढ़ाएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आयोजित पत्र परिषद में दी है। उन्होंने कहा कि इस साल खासदार क्रीड़ा महर्षि पुरस्कार खिलाड़ी विजय मुनीश्वर को दिया जाएगा। महोत्सव के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा, इस महोत्सव को लोगों से अच्छा सहयोग मिल रहा है, आज लोगों को खेल का आनंद लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में 300 मैदान तैयार होना चाहिए। मैं अभी आपको पता है कि मैं इस शहर को अपना शहर समझता हूँ। फुटबॉल का मैदान जो था पावर ग्रिड का, वहाँ स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, वहाँ की लॉन अच्छी डेवलप करने की आवश्यकता है, वहाँ पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, लड़के लड़कियों को कपड़े बदलने के रूम्स वॉशरूम्स की आवश्यकता है। हर जगह पर हम उसके आर्किटेक्ट से अभी क्रीड़ा हमारा जो खासदार क्रीड़ा महोत्सव समिति है उसमें मैंने सबको कहा है अम्बुलकर को कि भाई उसने एक आर्किटेक्ट भी बताया, हर ग्राउंड पे जाओ कि सबको करना चाहिए। इस समय मुझे थोड़े लोग नाराज होते हैं कि भाई विदर्भ में आप क्यों नहीं करते, हमारे टीम को क्यों नहीं बुलाते। तो अभी इस बार हमने कबड्डी खो खो में कुश्ती में हम विदर्भ के लोगों को अलाउ किया है, 4000 लोग आए हैं। तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है इतना सब ठीक करना। अभी वो इतने खुश हुए कि कोई इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था अच्छी की हमने, रहने की व्यवस्था अच्छी की। और मैं हर बार कहता हूँ कि करना है तो कम करो पर व्यवस्थित करो। तो नेचुरली धीरे देखो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल और फेयर सिलेक्शन होने चाहिए। और इन खिलाड़ियों के पीछे हमने जो गरीब है विशेष रूप से उनके तरफ तन मन धन तीनों बातों से खड़े रहना चाहिए। इतना बड़ा ये जो छिंदवाड़ा रोड पर हमारा स्टेडियम बना है अब उसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो अभी हम लोग देवेंद्र जी से बात करेंगे कि उसके लिए कोई अच्छी कमेटी बनाकर थोड़ा ऐसा मॉडल हम बनाए कि वहाँ हम लोग करें। अभी मैं आज ही दिव्यांग पार्क का मैंने बहुत अच्छे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए दिव्यांग पार्क बना रहा हूँ। आज उसका मैं आने वाले 26 फरवरी को उसका भूमि पूजन कर रहा हूँ, तो दिव्यांगों के खेल वहाँ हो सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सब बना रहे हैं। तो दिव्यांगों की संख्या बढ़ी है, ज्येष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं का कितना उत्साह है, छोटे छोटे खेल महिलाएं जो खेलती थी लंगड़ी से लेकर उसमें कितना उत्साह आया। और इन सब खेलों को भी पॉपुलर करना और लोगों में उत्साह भरना एक बहुत बड़ा, और अब धीरे धीरे इसमें हम सब मंडलों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जरूर कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।